हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ प्रिया और मैं आपको पढ़ा रही हूँ केमिस्ट्री। सॉलिड स्टेट चैप्टर चल रहा है। आप डिफेक्ट्स इन सॉलिड पढ़ रहे थे और डिफेक्ट इन सॉलिड में स्टोकियोमेट्री जो डिफेक्ट था उसके अंदर शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे टॉपिक वो डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट। नॉन स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि नॉन स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट होता क्या है। देखिए ध्यान से समझिएगा। अगर सपोज टू बी एग्जांपल ले लेती हूँ मैं FeO का। FeO अभी यहाँ पर FeO का रेशियो क्या है, फेरम का कितना है, मतलब आयरन का कितना रेशियो है 1 और ऑक्सीजन का यहाँ पर कितना रेशियो है 1। अगर इस क्रिस्टल में सपोज करिए इसका कोई क्रिस्टल है और इसके अंदर डिफेक्ट आ जाता है और इसके फॉर्मूले में चेंज आ जाए, मतलब Fe तो 0.95 रह जाए और ऑक्सीजन पूरा का पूरा 1 रह जाए, तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, नॉन स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट। मतलब कि इनके जो पर्टिकुलर फॉर्मूले में चेंज आ गया है, मतलब इनका जो रेशियो है वो सेम नहीं रहा। ठीक है, रेशियो जो है सेम नहीं रहा। क्या नहीं रहा, रेशियो जो है सेम नहीं रहा। ठीक है, नॉट इक्वल टू, ठीक है, सेम नहीं रहा ना, तो फिर इसमें डिफेक्ट आ गया है। इसमें क्या आया है, डिफेक्ट जब आ गया तो इनका फॉर्मूला या इनका रेशियो सेम नहीं रहा, तो ऐसे तो हम क्या बोलेंगे, नॉन स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि नॉन स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट होता क्या है, अब हम इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए बेसिकली जो नॉन स्टोकियोमेट्री होता है वो दो टाइप का होता है, पहला और दूसरा। जो पहला टाइप होता है वो होता है मेटल एक्सेस, मेटल एक्सेस जिसमें कि मेटल ज्यादा होता है। ठीक है, और दूसरा होता है मेटल डिफिशियंट, मतलब मेटल की कमी होना, मेटल की कमी होना। अब मेटल एक्सेस क्या होता है एंड मेटल डिफिशियंट क्या होता है, मैं बात करूं अगर मेटल एक्सेस की, तो जहां पर कैटायन ज्यादा हो एनायन से तो ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं, मेटल एक्सेस हो गया, और जहां पर कैटायन कम हो एनायन से या जहां पर एनायन ज्यादा हो कैटायन से ऐसे केस को हम क्या बोलेंगे, मेटल डिफिशियंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मेटल एक्सेस का मतलब होता है जहां पर कैटायन ज्यादा हो और मेटल डिफिशियंट का मतलब होता है जहां पर कैटायन एनायन से कम हो। तो ये दोनों टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मेटल एक्सेस। तो देखिए मेटल एक्सेस, मेटल एक्सेस के भी यहां पर दो टाइप हैं, पहला टाइप दूसरा टाइप। पहला टाइप कि अगर किसी भी क्रिस्टल में क्या हो जाए, देखिए मेटल एक्सेस के मतलब मेटल ज्यादा कैसे हो सकता है, मेटल ज्यादा कैसे हो सकता है, या तो कैटायन ज्यादा हो। कंडीशन क्या है हमारे यहां पर कि कैटायन ज्यादा होगा एनायन से। ठीक है, अब कैटायन ज्यादा किस केस में हो सकता है, या तो क्या हो जाए कि जो एनायन है वो गायब हो जाए। अगर एनायन थोड़े से या फिर एक आधा एनायन अगर गायब हो जाएगा, एक एनायन अगर गायब हो जाएगा तो कैटायन तो अपने आप ज्यादा हो जाएंगे ना। तो पहला हमारे पास क्या केस है, जब कैटायन या मैं बोलू एनायन क्या हो जाए, वैकेंट हो जाए, एनायन जो है गायब हो जाए, एनायन अपनी जगह से गायब हो जाए, और एनायन जो है क्या हो जाए, गायब हो जाए। और दूसरा कब हो सकता है, जब कैटायन एक्स्ट्रा आ जाए, जब कैटायन एक्स्ट्रा आ जाए। सिर्फ ये दो ही केस है जब जो है मेटल एक्सेस की पोजिशन बन सकती है, मेटल एक्सेस की पोजीशन बन सकती है। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एनायन अगर वैकेंट हो जाए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे अगर कैटायन एक्स्ट्रा आ जाए। तो चलिए पढ़ते हैं, एनायन वैकेंट हो जाए तो क्या होगा। तो देखिए अगर एनायन वैकेंट हो जाए, तो देखिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू इसको समझाती हूँ। एग्जांपल हम ले लेते हैं, पहले मैं आपको समझा देती हूँ एनायन वैकेंट होता क्या है। सपोज के लिए मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना लिया, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव
पी नेगेटिव, ऐसे करके हमें बनाना है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया है पूरा क्रिस्टल। अब अगर इसके अंदर से एनायन जो है वैकेंट हो जाए, सपोज करिए एनायन जो है यहां से वैकेंट हो गया, एनायन वैकेंट हो गया और होल कर गया, वैकेंट हो गया, खाली हो गया और होल कर गया, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, वैकेंट कर गया लेकिन क्या छोड़ गया, इलेक्ट्रॉन छोड़ गया, क्या छोड़ गया, इलेक्ट्रॉन छोड़ गया और वैकेंट कर गया लेकिन, ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में क्या होगा, कैनायन वैकेंट हो गया तो इस केस में कैटायन ज्यादा हो जाएंगे किससे, एनायन से, और ये कौन सा डिफेक्ट हो जाएगा, मेटल एक्सेस। तो ये कैसे हो रहा है मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ NaCl का, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ NaCl सोडियम क्लोराइड का, तो सोडियम प्लस Cl माइनस, सोडियम प्लस Cl माइनस, पूरे क्रिस्टल को मैं सोडियम वेपर के पूरे सराउंड कर दूं, मतलब इसके पूरे सिस्टम के अंदर मैं सोडियम वेपर डाल दूं, सपोज करिए ना, इस पूरे सिस्टम की, पूरा सिस्टम है क्रिस्टल सिस्टम, इसके अगर मैं आसपास जो है सोडियम वेपर डाल दूं तो क्या होगा, जो ये सोडियम वेपर है ना, ये सोडियम वेपर इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या बन जाएगा, ये सोडियम कैटायन बन जाएगा। अब जब ये सोडियम कैटायन बन जाएगा तो ये सोडियम कैटायन यहां से कोई भी मैं कहती हूं, अगर इसने यहां से ये एनायन जो है अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ, ये एनायन तो कहां चला गया, इसकी तरफ चला गया, वैकेंट हो गया, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर इसने छोड़ दिया, ठीक है, तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस हुआ है। आपको बात समझ में आई कि कैटायन जो एनायन वैकेंट हुआ वो कैसे होता है, सपोज करिए अगर NaCl का है तो सोडियम वेपर ने सराउंड कर लिया, और सोडियम जो था ये वाला जो सोडियम है, सोडियम वेपर, इसने कैटायन बना लिया एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके, और वो जो इलेक्ट्रॉन है कहां पर आ गया, उसकी पोजीशन पे आ गया, किसकी, एनायन की पोजीशन पे आ गया, और एनायन जो है सोडियम कैटायन ने ले लिया और क्या बना लिया, NaCl, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इस पोजीशन पर एनायन कम हो गए और क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, मेटल एक्सेस, क्या हो गया, मेटल एक्सेस, ठीक है, मेटल अपने आप ज्यादा हो गए क्योंकि जो एनायन है वो चला गया, सीएल माइनस चला गया, तो अपने आप सोडियम प्लस की नंबर क्या हो गए, संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है, तो क्या हो गया, ये मेटल एक्सेस। अब देखिए जो ये इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये बहुत काम की चीज है, इसके कारण फ्लो ऑफ कंडक्शन होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर के कारण, इस पूरे इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, कंडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और यही इलेक्ट्रॉन जो है कलर के लिए, रंग के लिए जो है जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, बात समझ में आई, यही जो है इलेक्ट्रॉन कलर के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, और ऐसे में कौन सा कलर आता है, जब NaCl को हम, NaCl जो क्रिस्टल होता है उसे हम सोडियम वेपर में अगर डालते हैं तो कौन सा कलर आता है, येलो कलर, और वो किसके कारण आता है, इस इलेक्ट्रॉन के कारण, ये इलेक्ट्रॉन तो कंडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है, और यही इलेक्ट्रॉन जो है कलर के लिए, इस क्रिस्टल में कलर आने के लिए जो कौन रिस्पॉन्सिबल है, यही इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेटल एक्सेस का पार्ट फर्स्ट, वो क्या था, वो था आपका एनायन वैकेंट, ये है एनायन वैकेंट। तो अब हम पढ़ते हैं दूसरा, वो क्या है, कैटायन एक्स्ट्रा कैटायन जब आ जाए तो,
देखिए अब हम पढ़ रहे हैं कैटायन एक्स्ट्रा आ जाए, कहां पर आ जाए एक्स्ट्रा, इंटर स्टीशियल साइट पर, कहां पर, इंटरस्टीशियल साइट पर। मैंने आपको बताया था कि इंटरस्टीशियल स्पेस या साइट क्या होता है, ठीक है। तो देखिए हम आपको वापस बताती हूँ आपको क्या होता है, और मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती भी हूँ। मैं एग्जांपल ले रही हूँ जिंक ऑक्साइड का, ये मैंने क्रिस्टल बना लिया जिंक ऑक्साइड का, ठीक है। ये है हमारा जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल, ठीक है, ये क्रिस्टल है। अब देखिए मैं इसको आपको, हम पढ़ रहे हैं एक्स्ट्रा कैटायन जब अगर आ जाए तो, ये मैं इसलिए मिटा रही हूं ताकि मैं ऊपर जो है आपको समझा सकूं, ठीक है। ये हमारा पूरा क्रिस्टल है किसका, जिंक ऑक्साइड का। अब क्या होगा अगर जिंक ऑक्साइड को हम गर्म करेंगे, पूरे क्रिस्टल को अगर मैं गर्म करूं, क्या करें, गर्म करें, हीट करें, तो क्या निकल के आएगा, 2 + ½ O₂ - + 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आई बात समझ में। ये पूरी की पूरी जो है इक्वेशन बन के आएगी अगर हम जिंक ऑक्साइड को, यानी इस पूरे क्रिस्टल को गर्म करते हैं। अब क्या होगा, जो ये आपका ऑक्सीजन है ना, ये जो है ना, ये तो इस पूरे क्रिस्टल में से वेपर बनकर उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है। और रह क्या जाएगा, जिंक 2+, क्या आ जाएगा, जिंक 2+ जो है ये यहां पर कहीं भी इंटरस्टीशियल साइट पर आ जाएगा, मान लीजिए यहां पर आ गया, इधर आ गया, ठीक है। और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन भी आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन इधर आया और 1 इलेक्ट्रॉन इधर आया, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन तो मान लीजिए इधर आ गया और 1 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इस साइड पर आ गया, ठीक है। मैं आपको ढंग से दिखाती हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 1 इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है। तो देखिए Zn₂ भी आ गया और इलेक्ट्रॉन तो देखिए आएंगे ही, देखिए जैसे इस हिसाब से आए हैं। तो अब आप देखो इसके अंदर क्या आ गया, एक्स्ट्रा कैटायन ऐड हो गया, एक्स्ट्रा कैटायन ऐड हो गया, यानी अपने आप कैसी सिचुएशन आ गई, मेटल एक्सिस की एग्जाम्पल भी है उसका। तो उस टाइम पर अगर एक्स्ट्रा कैटायन आएगा ना, तो उसको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन भी आएगा। तो देखिए अगर यहाँ पर जब एक्स्ट्रा कैटायन आया है तो उसको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर एक्स्ट्रा कैटायन हो गए, तो कौन सा केस हो गया, मेटल एक्सिस का। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। और देखिए जो जिंक ऑक्साइड होता है ना, बेसिकली ये इंसुलेटर होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन जैसे ही इसके अंदर डिफेक्ट आ जाता है, कौन सा, मेटल एक्सिस डिफेक्ट या नॉन स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट, तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन छोड़ जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन किसके लिए जिम्मेदार होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के, किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए जिम्मेदार हो जाता है। तो आई होप आपको मेटल एक्सिस के दोनों टाइप, एनायन वैकेंट और कैटायन, एक्स्ट्रा कैटायन और इंटरस्टीशियल साइट, आपको पता है इंटरस्टीशियल साइट क्या होती है, ये इसे बोलते हैं इंटरस्टीशियल साइट, ठीक है। तो इंटरस्टीशियल साइट पर एक्स्ट्रा कैटायन, ये सारी चीजें, ये दोनों टाइप आपको समझ में आ गए हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट, मेटल डिफिशियंट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मेटल, दूसरा टाइप, नॉन स्टोकियोमेट्री का दूसरा टाइप, मेटल डिफिशियंट, मेटल डिफिशियंट। तो देखिए मेटल डिफिशियंट का सिर्फ एक ही टाइप है जिसे हम बोलते हैं क्या, जिसके अंदर क्या होता है, मेटल डिफिशियंट होता है। मेटल डिफिशियंट का मतलब क्या होता है, जब एनायन ज्यादा हो किससे, कैटायन से, ठीक है। और इसका सिर्फ एक ही केस बनता है, वो क्या बनता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर नॉर्मल क्रिस्टल बनाया है जिसमें 2 आयन है, ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव,
आप इसको ऐसे भी बना सकते हो और नॉर्मली भी बना सकते हो। इसके बीच बीच का जो एरिया है उसे इंटरस्टिशियल साइड बोलते हैं ना, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, तो इस टाइप का है कुछ, इसे हम इंटरस्टिशियल साइड बोलते हैं। अब अगर यहाँ पर ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव है, ठीक है, एनायन और कैटायन दोनों हैं, तो यहाँ पर क्या केस बनेगा कि अगर मुझे ए टू प्लस, मैं अगर चाहूं कि यहाँ पर मुझे क्या करना है, एनायन को ज्यादा करना है, कैटायन को कम करना है, तभी मेटल डिफिशियंट होगा। तो मैं अगर चाहती हूँ कि यह मैं कैसे कर सकती हूँ इसे, मैं ऐसे कर सकती हूँ कि अगर मैं यहाँ पर जो है इधर इधर इस साइड पे, मान लीजिए मैं इसकी साइड पे कुछ चेंज कर रही हूँ, अगर मुझे यहाँ कुछ चेंज करना है, मुझे क्या करना है, यहाँ पर हायर चार्ज का यानी ए टू प्लस का मुझे कैटायन लाना पड़ेगा। मैं अगर ए टू प्लस का यहाँ पर कैटायन लाऊंगी ना, तब जाकर जो है एनायन ज्यादा होगा। वो कैसे होगा मैं आपको बताती हूँ। अगर मुझे ए टू प्लस का कैटायन इसके अंदर अगर मैं ले आती हूँ हायर चार्ज का, तो यहाँ पर मुझे इसके अंदर से मुझे दो साइट जो है मेरी, ये जो दो है कॉर्नर है ए प्लस और ए प्लस के, वो मुझे हटाने पड़ेंगे, यानी दो एनायन मेरे हट जाएंगे, मतलब मेरे दो ए पॉजिटिव जो है वो हट जाएंगे। ठीक है, तो मुझे अगर एक साइट पर इसे लाना है तो एक साइट मेरी हट जाएगी। तो ये कैसे आएगा इसके अंदर, मुझे अगर ए टू प्लस को इसके अंदर मैं ला देती हूँ तो दो जगह मेरी, तो जो दो जगह है इसकी ए प्लस की, वो खाली करनी पड़ेगी। तो मैं खाली कर देती हूँ एक इसे और एक मैंने खाली कर दिया यहाँ पर, ए पॉजिटिव की खाली होंगी और इस एक जगह पर मैं क्या लेके आ गई, ए टू प्लस लेके आ गई। तो ऐसे कर कर क्या हुआ, संख्या जो है, नंबर ऑफ जो कैटायन है वो कम हो गए। कैटायन जो है नंबर ऑफ, क्योंकि एक जगह खाली हो गई ना, तो कैटायन के नंबर जो है वो कम हो गए और एनायन के जो नंबर है वो बढ़ गए। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मेटल डिफिशियंट। इस केस को हम क्या बोलते हैं, मेटल डिफिशियंट। तो बात समझ में आई आपको, क्या हुआ है कि हम कैसे कर सकते हैं एनायन को ज्यादा, जब मैं कोई हायर चार्ज का कैटायन लेके आ जाऊं, और हायर चार्ज का सपोज करिए ए टू प्लस का मैं ला रही हूँ, तो मुझे दो कैटायन की जगह छुड़वानी पड़ेगी इसको बैलेंस करने के लिए। और जब जगह छूट जाएगी तो अपने आप एनायन ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि जो हायर चार्ज आ रहा है वो तो एक ही जगह पर आ रहा है, दूसरा जगह तो खाली हो गई ना, और अपने आप क्या बन गया, क्या हो गया, एनायन ज्यादा हो गया और कैटायन कम हो गए, क्योंकि कैटायन की जो स्पेस है वो कम हो गई और एनायन की स्पेस ज्यादा हो गई। ठीक है ना, तो कैटायन कम हो गया, एनायन ज्यादा हो गया, ये एग्जांपल है मेटल डिफिशियंट का। इसका जो एक एग्जांपल है मैं आपको बता देती हूँ, इसका एक एग्जांपल फेरस सल्फेट भी हो सकता है, निकल ऑक्साइड भी हो सकता है। तो आई होप आपको नॉन स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट अच्छी तरीके से आ गया होगा। इसके दो एग्जांपल आपको मैंने बताया, फेरस सल्फेट और निकल ऑक्साइड। आई होप आपको ये मेटल डिफिशियंट, मेटल एक्सेस, नॉन स्टोकियोमेट्री पूरी जो है डिफेक्ट, वो समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। तो आज के लेक्चर, तो चलिए जो नेक्स्ट हमारा टाइप है वो है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। हमने स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट पढ़ लिया है, हमने नॉन स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट पढ़ लिया है, और अब हम पढ़ेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्योंकि बेसिकली जो डिफेक्ट्स थे सॉलिड में वो तीन टाइप के थे, स्टोकियोमेट्री, नॉन स्टोकियोमेट्री एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट जो है वो बिल्कुल आपने जो पहले पढ़ा था मेटल डिफिशियंट उसकी तरह ही है, क्योंकि मेटल डिफिशियंट जो है उसके अंदर तो सेम टाइप ऑफ इम्प्योरिटी आती है, कोई सेम टाइप का ही जो है कैटायन आ जाता है और इम्प्योरिटी कर देता है, इम्प्योरिटी इसके अंदर डाल देता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जो डिफेक्ट है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इसके अंदर कोई फॉरेन स्पीसीज आती है, या मैं बात करूं दूसरा कोई मेटल आकर, फॉरेन मेटल आकर जो है क्रिएट करता है इम्प्योरिटी और क्रिएट करता है डिफेक्ट। तो चलिए हम देखते हैं इसका। इसके लिए मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ NaCl का, ठीक है, NaCl का हम इसके लिए एग्जाम्पल लेंगे। चलिए बनाते हैं इसका क्रिस्टल NaCl, Cl माइनस Na, Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस। तो इसको हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा टेढ़ा चला गया ना, इसको सही करते हैं।
इसको हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे कनेक्ट कर दें। कई जगह पे ऐसे कनेक्ट किया हुआ है तो हम भी कर देते हैं, और ये बीच का जो स्पेस होता है ये इंटरस्टिशियल स्पेस कहलाता है। ठीक है, तो देखिए ये NaCl का मैंने क्रिस्टल बनाया है। अब इसके अंदर डिफेक्ट जो आएगा, मेटल डिफिशियंट में क्या हो रहा था, सेम टाइप का जो कैटायन है वो लॉस हो रहा था। अब इसके अंदर क्या होगा, एक एक्स्ट्रा जो फॉरेन स्पीसीज है इसके अंदर आ जाएगी, एक फॉरेन स्पीसीज। ठीक है, यहां मैं बात करूं एक अलग से जो अदर मेटल है वो आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पर कर रही हूं सोडियम क्लोराइड का स्ट्रोंशियम क्लोराइड के साथ SrCl2 के साथ। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर अब इससे जो निकलेगा वो निकलेगा, अगर इसकी बात करूं SrCl2 की, मैं NaCl के साथ में किसका करवा रही हूं, Cl2 का, मतलब कि मैं इसके अंदर कौन सी इंप्योरिटी ला रही हूं, SrCl2 की, तो इसके अंदर से कौन सा मेटल निकलेगा, Sr2+। ठीक है, Sr2+ निकलेगा, स्ट्रोंशियम 2+ कैटायन इसके अंदर से निकलेगा। तो अब मुझे जो है ये, अब ये जो क्रिएट करेगा इसके अंदर डिफेक्ट क्रिएट करेगा, तो अगर मुझे Sr2+ इसके अंदर आएगा डिफेक्ट, अगर Sr2+ आया तो ऑब्वियसली बात है दो कैटायन भी जाएंगे। ठीक है, तो दो कैटायन जाएंगे, तो मैं एक तो यहां से कैटायन गायब कर देती हूँ, एक इधर से गायब कर देती हूँ कैटायन। ठीक है, क्योंकि दो है ना यहाँ पर चार्ज, कितना है, दो चार्ज है, तो इसलिए दो जगह यहाँ से खाली होंगी, दो Na+ यहाँ से खाली होंगे, लेकिन वो आएगा Sr2+ किसमें, ऑनली एक में ही, क्योंकि बैठ तो वो एक ही जगह सकता है। तो हमारा जो ये एक होल है वो क्रिएट हो गया। ठीक है, और इससे ही जो है हमारी इम्प्योरिटी जनरेट हो गई, ये इम्प्योरिटी जनरेट हो चुकी है। बात आ गई समझ में, मेटल डिफिशियंट में क्या था, उसी का ही कैटायन था, जो कि मतलब मेटल डिफिशियंट में क्या हो रहा था कि हमारा उसी टाइप का जो कैटायन है वो इंसर्ट हो रहा था। इसके अंदर क्या इंसर्ट हो रहा है, इधर फॉरेन स्पीसीज इंसर्ट हो रहा है, दूसरा जो अदर मेटल है वो इंसर्ट हो रहा है इसके अंदर, इंसर्ट हो रहा है मेटल, इंसर्ट हो रहा है दूसरा, तो यहाँ पर इसे हम बोल सकते हैं फॉरेन स्पीसीज, कोई दूसरा ही जो है स्पीसीज इसके अंदर एंटर हो रही है और क्या बना रही है हमारी इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, तो आई होप आपको इम्प्योरिटी डिफेक्ट अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में ऑनली इतना ही है जो कि आपको अभी पढ़ना है, क्योंकि अभी आपकी बुक्स में इतना ही है और आपको उस हिसाब से इतना ही पढ़ना है। ठीक है, तो बस इतना ही था इम्प्योरिटी डिफेक्ट में, बिल्कुल मेटल डिफिशियंट की तरह ही है, अंतर सिर्फ इतना है कि वहां पर तो सेम टाइप ऑफ जो मेटल है वो उसके अंदर इंसर्ट हो रहा था, यहाँ पर फॉरेन स्पीसीज इंसर्ट हो रहा है जो कि स्ट्रोंशियम 2+ है। बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हैं पर मैंने आपको बेस्ट वन करवाया है। ठीक है, तो आई होप आपको आज का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम आए आपको कमेंट करना है, और कोई भी दिक्कत आए आपको कमेंट कर देना है, मैं सॉल्व कर दूंगी। दूसरा, अब हमारे डिफेक्ट इन सॉलिड कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और साथ ही इस लेक्चर के बाद में, साथ ही इसी लेक्चर के अंदर इंक्लूड होके डेंसिटी ऑफ जो यूनिट सेल है वो भी आ जाएगा टॉपिक। तो ऐसे करके आप दो पढ़े हैं, मैग्नेटिज्म और कंडक्शन, ये दो पढ़े हैं हमारे टॉपिक, उन्हें हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। बाकी लगभग जो है आपका इस चैप्टर से कंप्लीट हो चुके हैं टॉपिक, है ना। तो अब आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू सो मच।